मुहर्रम जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के उपलक्ष्य में मंगलवार को नौ व्यापार मंडल अध्यक्ष और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसपी सिटी को बुके देकर सम्मानित किया और मुहर्रम जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए उनका आभार जताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी ने बताया कि गोरखपुर पुलिस प्रशासन मुहर्रम के जुलूस को जिस तरह से सकुशल संपन्न कराया और कहीं कोई हादसा या बात नहीं हुई है, जिससे मुस्लिम वर्ग के तमाम जुलूस निकालने वाले हुसैनी अखाड़ा उस्ताद तजियादारी मुतवल्ली को खुशी है। इसलिए आज हम सभी का प्रतिनिधिमंडल मिलकर गोरखपुर पुलिस को सम्मानित कर उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्य रूप से सोहराब खान, टीपू खान उर्फ सोनू खान और रईस अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी ने कहा, आज हम लोग एसपीसीटी साहब को सम्मानित किए हैं नव व्यापार मंडल अध्यक्ष संसार खान भोला हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से। इसलिए सम्मानित किए कि मुहर्रम जैसा त्यौहार सकुशल संपन्न कराया। गोरखपुर के अंदर 1700 ताजियादार और जुलूसों ने बहुत अच्छी तरह से जुलूस निकाला, मुतवल्लियों को और अखाड़े के लोगों को सम्मानित किया है। नव व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशाद खान भोला, मैं सलमानी और हमारे साथ टीपू खान, सोहराब खान सारे लोग हैं। आज हम लोगों ने इसलिए सम्मानित किया पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को कि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने का आदेश था, जिसका पालन गोरखपुर में हुआ। इसलिए हम लोग पुलिस विभाग को सम्मानित किए हैं, आगे भी करते रहेंगे।